हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। और हम आ चुके हैं जयचंद के किले पे। देखिए ये जयचंद की मूर्ति और पीछे वो पर्वत है, और इधर इसका ये बोर्ड लगा हुआ है जयचंद राजा जी का, प्राचीन किला कन्नौज। चलिए मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ कि इधर इनके ऊपर कोई छत नहीं है। ये हमारा पहला ब्लॉग है, और चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। वो हमारे समर्थक है भाई साहब, ऊपर खड़े हैं। चलिए ऊंचे पे। वैसे ये खंडर हो चुका है गाइस, बहुत मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया गया इस किले का। वैसे कहा जाता है कि जयचंद ने गद्दारी की है, तो आप समझ सकते हैं गद्दार के लिए क्या सजा हो सकती है, उसका सम्मान ना करना। और देखो, और ये सही भी है जहां तक है, क्योंकि देश से गद्दारी से बड़ा जुर्म क्या है एक। और आज ये जयचंद्र का किला है जो कि पूरा खंडर हो चुका है तरीके से। मैं किले के नाम पे बस ये कि ये मिट्टी का टीला है, और मैं छत पे मतलब सॉरी ऊपर आ गया हूँ, बट मैं थक चुका हूँ काफी। हाँ, क्योंकि इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। देखिए करीब करीब ये होगी 7 मंजिल होगी। सामने वो पानी की टंकी है, उसकी लेवल का है, तो समझ सकते हैं आप कितना ऊंचा है। बाकी ये काफी जगह में फैला हुआ है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ से लेके भाई साहब कितने जगह में हुआ, ये लगभग 50 से 60 बीघे की जगह में फैला हुआ है। और इसकी लंबाई वैसे तो पुराने टाइम में ये काफी था, पर लोगों ने घेर लिया गया है, तो काफी अच्छा व्यू है। और मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ ये गड्ढा भी पाया जाता है कहते हैं, मतलब यहाँ अंदर रास्ता भी था पर लोगों ने बंद कर दिया गया या बंद हो गया, इसके बारे में भी तक कुछ क्लियर जानकारी नहीं दी गई है। ये देखिए, बाकी फोटो वगैरह और घूमने के लिए काफी अच्छा नजारा भी है। और चलिए मैं आपको उस कोने तक पहुंच के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम आया उधर। देखो ये इधर, और वो सामने वो बना हुआ है, दिख रहा है आपको, और एक 52 खंभ का किला वो बना हुआ है, उसको कहते हैं 52 खंभा। उसमें 52 खंभे, चलो उसका भी ब्लॉग कभी बनाएंगे, बट आज नहीं। ओके गाइस, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा यहाँ गंदगी भी है, बट ऐसा कोई खास ज्यादा गंदगी नहीं है, ऊंचा तो काफी है ये, बट सब खंडर हो चुका है। ये नीचे ईंटें सब दबी हुई है अंदर। कहते हैं कुछ लोकल के लोग कि मतलब उनको यहाँ सामान वगैरह मिलते रहते हैं पुराने, और कुछ मतलब पुरानी चीजें मिल जाती हैं खुदाई के दौरान, पर खोदता कोई नहीं है यहाँ क्योंकि बंद है। ये इस खुदी हुई जगह है जितनी भी आपको दिख रही है, वो सामने टीला है, वो यहाँ से ही मतलब किले के लिए है माने। ये वहां तक राजा जयचंद्र जी की किले की जगह है सारी की सारी। ये होगी कम से कम 150 बीघे में फिलहाल की स्थिति में कब्जा कर लिया है लोगों ने, जो मतलब पहले से रह रहे हैं उन्होंने। देख सकते हैं आप पूरा, मतलब लोकल के लोग भी रहते हैं। देखिए वो सामने बैठे हुए उधर लोकल के लोग। ये इधर बाउंड्री है ये किले की, और मैं कुछ आपको बढ़िया चीज दिखा रहा हूँ। शायद ये पिल्ला इधर डॉगी बैठा हुआ है, शायद ये बीमार हो चुका है तो ये गड्ढा करके बैठा हुआ है मक्खियों से बचने के लिए। आ जाओ बाहर आओ टॉमी, बट ये बीमार है शायद। चलिए इसको छोड़िए। ये दीवारों के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि ये आजादी के बाद की हैं, या वैसे में हमारी नजर से तो ये ज्यादा पुरानी लग नहीं रही है। खंडर हो चुका है, दब चुका है, जैसे ये खंडर हो चुका है ना उसी टाइप से पूरा। देखिए आप, मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ ये सब ईंटें हैं, देखो नीचे ईंटें हैं प्राचीन काल की। वो सामने देख रहा है आपको ऊंचे पे, चलो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये इधर से इधर लेके ये पूरा टीला है जो कि खंडर हो चुका है। थोड़ा मुझे यहाँ देख के चलना पड़ेगा, गंदगी वगैरह यहाँ के ग्रामीण के लोकल के लोग यहाँ गंदगी करते रहते हैं। देखो ये दीवारें पहले की हैं प्राचीन काल की,
कह सकते हैं इनको हम। और मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाऊंगा इसके बारे में। लोकलिटी के लोग रहते हैं, कंडे पाथ रहे हैं, कुछ कुछ पाथ रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं चारों तरफ। बाकी मौसम अच्छा हो तो यहाँ आके बैठ जाओ, शांति है एक तरीके से, आराम मिलता है, शांति महसूस होती है। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, इधर काफ़ी सारे झंडे लगे हुए हैं, वहाँ मंदिर है माता जी का, एक इधर गौरी शंकर मंदिर है। कभी आए आप तो गौरी शंकर मंदिर भी घूम के जाएं, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और ये हम इसका इस छोर पे आगे, बाकी तो और कुछ नहीं है इधर। यहाँ भैया यहाँ के लोकल के ही हैं शायद। ये यहाँ से बाउंड्री है पहले की, ये दिख रही होगी वहां तक, और रोड है साइड से। चलिए मैं आप भैया आप यहाँ के लोकल के ही हैं, यहाँ मतलब पुरानी चीजें भी निकलती हैं, जैसे कभी कभार कोई खोदे या मतलब, अच्छा अच्छा मतलब दब गया है सब इसी में अंदर, अच्छा अच्छा हाँ। नहीं मतलब यहाँ के लोकल के लोग जैसे उधर थोड़ा थोड़ा खोद देते हैं कुछ गड्ढे वगैरह, अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद भैया जी। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, बाकी यहाँ तो थोड़ा गंदगी ज़्यादा है, मतलब गड्ढों वगैरह में उल्टी सीधी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये इधर बाउंड्री है यहाँ की, एक रास्ता इधर से उतरने की है नीचे की तरफ, बट हम उस कोने से आए थे तो हम उधर जाके इसी उतरेंगे, हमारी बाइक वहीं खड़ी हुई है। ये देख सकते हैं ये मजार बनी हुई है कोई, और ये इधर देख लीजिए आप। तो गाइज वो वहां तक हम घूम चुके हैं फाइनली, अब हम जा रहे हैं अपने घर और हम चलते नीचे की तरफ। देखिए गाइज ये क्लियर वो गद्दारी का असर है, जो उनके सर पे भी छत नहीं है। तो एक देश को गद्दारी की सबसे बड़ी और बेकार सजा यही होती है कि उसका सम्मान ना किया जाना एक तरीके से, जो कि वो झेल रहे हैं जयचंद्र की मूर्ति। और इन्होंने मुगलों के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरवाया, तो इनकी मतलब काफी गलतियां हैं ये, बेशक हिस्ट्री कुछ भी रही हो पर खुद भी युद्ध कर सकते थे, बैट बेशक मारे जाते शहीद कहलाते, मगर इन्होंने दूसरों का सहारा लिया है। देखो इनके सर पे भी छत नहीं है किसी प्रकार की, बारिश आंधी सब झेलते हैं ये। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।